श्री कृष्ण, आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि लोगों का जो व्यवहार होता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से उनकी दैनिक क्रियाएं होती हैं, ये सब किस पे निर्भर करती हैं। तो ये निर्भर करती है आपकी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। कुंडलिनी शक्ति ही आपका मेमोरी कार्ड है। कुंडलिनी ही शक्ति ही मुख्य रूप से आपके कोशिकाओं से, आपके डीएनए से जुड़ी हुई होती है कि जैसी आपकी आदतें होती हैं उसके अनुसार कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जागृत या सुसुप्त अवस्था में होती है। तो इसी के ऊपर आज जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे काम करती है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए साधना एक उपयोग होता है कि आप साधना के द्वारा ही इसको आप जागरण कर सकते हो। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं योग करके या मैं ध्यान करके कुंडलिनी शक्ति को जगाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, जागृत हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप जाप करते हो, किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हो, साधना करते हो, तो कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागरण हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाएगी, जब आप साधना के नियमों का पालन करेंगे तो आपके शरीर का डीएनए भी बदलना शुरू हो जाता है, मतलब कोशिकाओं की गतिविधि भी बदलना शुरू हो जाती है। जैसे क्या मतलब है इसका, कोशिका की गति, डीएनए बदलना शुरू, इसका मतलब कैसा? मतलब यह है कि एक व्यक्ति सुबह जितने बजे उठता है, कितने बजे उसको भूख लगती है, कितने बजे वो घर से निकलता है, कितने बजे वो घर आता है, उसकी क्या क्या चीजें उसको खाने में पसंद है, किस प्रकार की गतिविधि उसका शरीर कर रहा है, वो आदतें कोशिका अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है पूरी तरीके से। और वैसा ही वो रिएक्शन देगी, मतलब जो व्यक्ति दोपहर में 1 बजे रोज सोता है या कोई साधिका है वो दोपहर में 1 बजे सोती है, तो उसकी कोशिकाएं इस बात को अपने अंदर मेमोरी में रखते जाती है कि 1 बजे सोना है। तो जैसे ही अगले दिन 1 बजेंगे उसको नींद आना शुरू हो जाएगी अपने आप। वो कोशिका, एक एक कोशिका, पूरी सेल जो होती है ना, एक एक कोशिका, कोशिकाओं से शरीर बना है आपका, एक एक कोशिका इस बात को अपने अंदर स्टोर रखती है कि ये व्यक्ति जो है इतने बजे सोना चाहती है तो इसको उतने बजे नींद आना चाहिए, तो वो नींद आएगी आपको। आप कितना खाते हो ये कोशिकाएं जानती हैं कि इतना खा लेगी ये, तब तक इसको भूख का जो आभास है वो कराते रहना है। तो हर कोशिका शरीर के आपस में जुड़ी हुई होती है, कितना आप खाते हो, आप कितना चलते हो फिरते हो, आप व्यायाम करते हो, कितने बजे आप सो के उठते हो, उतने बजे वो एक कोशिका जानती है कि आप कितने बजे सो के उठते हो, तो उतने बजे आपकी नींद जरूर खुलेगी। आप जब पिता बनते हैं, मान लो पिता है, जब आप पिता बनते हैं तो आपका जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके बच्चे में भी आपकी ही कोशिकाएं, डीएनए गया हुआ है, तो आपके बच्चे के अंदर भी आपकी बहुत सारी आदतें अपने आप आ जाती हैं और आप बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे पे गया है। उसके हंसने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसकी पसंद कि उसको क्या खाना अच्छा लगता है, लगभग लगभग चीज़ें आपसे मिलती जुलती रहती हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी आवाज़, बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती आपको समझ में आएंगी। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसी प्रकार से होता है कि जब आपका डीएनए बच्चे का रूप धारण करता है तो आपकी आदतें जो आपके डीएनए में स्टोर थी, आपकी कोशिकाओं में स्टोर थी, वही चीज़ें वहाँ उजागर हो जाती हैं। तो आपकी सारी चीजें आपकी कोशिकाओं में स्टोर रहती हैं कि आप क्या खाते हो, कब एक्सरसाइज करते हो, कब आप सो के उठते हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन 10 बजे तक नींद आएगी। ये चीजें आपका डीएनए जानता है। अब कुंडलिनी शक्ति जब आप जागरण करते हो, तब जब आप साधना करते हो, तो अगर आपके अंदर आलस्य है, कोई भी जैसे गलत चीजें हैं, तो उनमें बदलाव ला सकते हैं, अपनी कोशिकाओं को बदल सकते हैं, अपना डीएनए आप चेंज कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे, सुबह उठ के वो जाप करता है, भजन कीर्तन करता है, साधना शुरू कर देता है, एक व्यक्ति जो दिन में सोना छोड़ दे, एक व्यक्ति जो बहुत सारे अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है, 21 दिन के अंदर आपका डीएनए चेंज भी हो जाता है। मतलब जब अगर कोई व्यक्ति है, उसकी नई नई शादी हुई है और अब उसको पता है कि भाई अब 1 साल के अंदर मेरी पत्नी गर्भवती होगी और उसके बाद फिर आगे संतानोत्पत्ति होगी, तो अगर वो अपना जीवन शैली शादी के बाद से बदल दे कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, पूजा पाठ करूंगा, घर का माहौल आध्यात्मिक बनाऊंगा, तो निश्चित रूप से उसका डीएनए चेंज हो जाता है और जो बच्चा जन्म लेगा वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा उसके घर में जन्म लेगी, वो भी आध्यात्मिक होगी, उसे भी भजन कीर्तन सब कुछ पसंद होगा, सब में उसका मन लगेगा, ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर चीजें आ जाएंगी। ये प्रभाव पड़ता है आपकी आदतों का। तो कुंडलिनी जागरण जब हो जाती है तो कुंडलिनी शक्ति अपने साथ आपकी पूरी जो संरचना होती है उसमें भी परिवर्तन लाती है। तो अगर आप
कुंडली शक्ति जागरण कर लेते हैं साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जाप के द्वारा, तो आपकी पूरी संरचना बदलेगी और आपकी बुद्धि विचार, जो आपकी बुद्धि पहले काम नहीं करती थी, पहले आपकी वाणी में प्रभाव नहीं था, आप घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, इन सारी चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों में बदलाव शुरू हो जाता है। सारे पूरी तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ जीवन में, या फिर मेरी आदतें ऐसी ख़राब हैं, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी साधक, कोई भी साधिका अगर अपने जीवन में बदलाव चाहता है, अगर आप अपने बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप साधना कीजिए। जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति थोड़ी सी भी अगर जागृत होगी, तो आपका परिवर्तन होना शरीर में शुरू हो जाता है और आपका स्वभाव, बात करने का तरीका, सारी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। तो ये थी जानकारी साधना के द्वारा अपने स्वभाव बदलने के ऊपर, अपनी ऊर्जा बदलने के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जय श्री कृष्ण। We'll be right back.